छात्र संसद 2020 के उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और राजनेता श्रीमती जया प्रदा जी, प्रखर पत्रकार हम सबके प्रिय श्री मनीष अवस्थी जी, चेयरमैन रायसोनी ग्रुप श्री सुनील रायसोनी जी, सभी का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय छात्र संसद एक ऐसा मंच है जहां पर चिंता नहीं बल्कि चिंतन होता है, विवाद नहीं बल्कि बातचीत होती है, और जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर सार्थक चर्चाएं होती हैं। राष्ट्रीय छात्र संसद 2020 के उद्घाटन के लिए पधारे सभी अतिथियों का रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से हार्दिक स्वागत। निवेदन है अतिथियों से कि वे अपने करकमलों से दीप प्रज्वलन करें और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आई रिक्वेस्ट द डिग्निटरीज टू काइंडली लाइट द ट्रेडिशनल लैम्प टू मार्क एन ऑस्पिशियस बिगिनिंग टू नेशनल स्टूडेंट पार्लियामेंट 2020। अब हम लोग बातचीत बंद करेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको माइक हाथ में दिया जाएगा, तब बोलिएगा। अभी सोचिए। राष्ट्रीय छात्र संसद का ये दिया जो अनवरत प्रज्वलित है आप सभी के सहयोग प्रयासों और आशीर्वाद से, आने वाले वर्षों में भी यह चिंतन और ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहे, इन शुभकामनाओं के साथ अतिथियों के करकमलों से दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन के पश्चात अतिथि मंच पर सादर आमंत्रित हैं। श्रीमती जया प्रदा जी, श्री मनीष अवस्थी जी, श्री सुनील रायसोनी जी, कृपया मंच पर पधारें। राष्ट्रीय छात्र संसद 2020 के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार पुनः करतल ध्वनि से हम अतिथियों का स्वागत करेंगे। दे से दैट पार्लियामेंट इज फॉर डिस्कशन, पार्लियामेंट इज टू शो डिसेंट, पार्लियामेंट इज टू गिव एन आर्ग्यूमेंट, फॉर वंस ऑपोजिशन टू प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट व्हेन दे सपोर्ट। To uphold this basic spirit of Parliament is the responsibility of every person who values democracy. हमारी संसद में संसद के इन आदर्शों का कितना पालन होता है यह तो हम देखते ही हैं, किंतु राष्ट्रीय छात्र संसद में विचार विमर्श और चिंतन के सभी आदर्शों का पूर्णतः पालन होता है। इस मंच पर इस उद्घाटन समारोह में अब अतिथियों के स्वागत का समय है। मैं चेयरमैन रायसोनी ग्रुप श्री सुनील रायसोनी जी से निवेदन करती हूं कि वे श्रीमती जया प्रदा जी का सम्मान और स्वागत करें। पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल और सम्मान चिन्ह देकर सुप्रसिद्ध अभिनेत्री राजनेता श्रीमती जया प्रदा जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत। आमंत्रित हैं डॉक्टर आरती कर्णावत और उनसे निवेदन है कि वे हम सब के प्रिय राष्ट्रीय छात्र संसद के अभिन्न अंग प्रख्यात पत्रकार श्री मनीष अवस्थी जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय छात्र संसद के आयोजन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनके विचारों का भी प्रतिवर्ष हम सब उसके लिए आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। मनीष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आमंत्रित करती हूं प्रोफेसर अमीना वली को, उनसे निवेदन है कि वे स्वागत करें श्री सुनील रायसोनी जी का, चेयरमैन रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और प्रेरणा स्थान राष्ट्रीय छात्र संसद, जिन्होंने ये संकल्पना की
इस संकल्पना को मूर्त रूप दिया और वर्षों से ये सतत प्रयास कि युवाओं को विचार शक्ति से जोड़ा जाए। धन्यवाद। रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन श्री सुनील रायसोनी जी, जिन्होंने राष्ट्रीय छात्र संसद की संकल्पना की, उस संकल्पना को मूर्त रूप दिया और निरंतर प्रतिवर्ष उसमें एक नया आयाम जोड़ने का प्रयास किया। श्री सुनील रायसोनी यह विश्वास रखते हैं कि आदमियत हूँ पे मोहब्बत पे यकीन रखता हूँ, मैं हूँ इंसान हकीकत पे यकीन रखता हूँ, आसमां भी तेरे कदमों पे झुकेगा एक दिन, ऐ वतन मैं तेरी अजमत पे यकीन रखता हूँ। राष्ट्र और राष्ट्र की युवा विचार शक्ति पर विश्वास रखने वाले श्री सुनील रायसोनी जी से निवेदन है कि वे अब राष्ट्रीय छात्र संसद 2020 की भूमिका हमारे सामने रखें। Very good morning, dignitaries present here, Sushri Jayaprada ji, faculty, student, guest, my dear friend Manish bhai, I welcome you all in the 7th edition of National Student Parliament 2020. I am truly honored with the response we have received for the parliament from the all areas in terms of speakers and wishes through messages. Even like the event like this does not take shape overnight. It is all about the efforts of team and people involved in it. At the beginning itself, I congratulate the team NSP, governing board, Manish Awasthi ji, and people involved directly and indirectly. It is a need of today's era that students must know the areas of the society and learn from it. Since last few years, we are witnessing various political scenarios, happy moments and criticism. Somewhere we are enjoying, somewhere we are tense too. We as an individual cannot understand probably what is going on. We all were thrilled with the events took place like judgment of Teen Talaq, Ram Mandir in Ayodhya, abolishing Article 370 and scenario in Kashmir. We are tensed with the changing Naya Bharat with Naya Tevar and still confused whether it is patriotism that leads to economic slowdown or something else. Why we are being victimized as a voter, this question we have seen number of times in the news and so many talks when they discuss about ideology versus power, which is nothing but a kissa kursi ka. I know each person present here has some or other thought for it, but we still need the right direction of discussion where we need to understand the things from the expert who studied it. We have those in the National Student Parliament this year, and we will be getting clear thoughts over many concepts related to it in these 2 days. We have seen the judgment and milestones set in last few years. Topics of those real life experiences have taken here in NSP 2020. If you ask me about this parliament, NSP is one of those chances which the hidden talent must grab and an opportunity for those who already are into the same domain. I once again welcome you all, wish you the next 2 days from a great learning and understanding over so many topics of the nation. Thank you. Thank you so much, Sunil Raisoni ji. Log jab bolte hain, to unki awaaz, unke shabd, aur un shabdon ke madhyam se unke vichar hum tak pahunchte hain. मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब बोलें तब उनके विचार हम तक पहुंचते हैं, और बोलते हुए वो जब पॉज लेते हैं तो वो पॉज खामोशी नहीं होती, वो पॉज हमें एक चुनौती होती है कि हम भी विचार करें। ऐसे ही एक व्यक्ति को अब मैं आवाज़ देने जा रही हूँ। गले में उनके खुदा की अजीब कुदरत है, वो बोलते हैं
तो एक रोशनी सी होती है। श्री मनीष अवस्थी जी, ये पिछले 7 सालों से इस मंच पर आकर आप लोगों से रूबरू होना अपने आप में एक नएपन का एहसास देता है। जया जी, इससे पहले कि मैं अपना उद्बोधन शुरू करूं, ये जो यहां पर आप युवा चेहरे देख रही हैं, ये आपके देश की संसद नहीं, ये वो संसद है जो अदब की महफिल है। इससे पहले मैं अपनी बातें शुरू करूं, मैं ये कह देना चाहता हूं कि जो भी मैं इस मंच से कहूंगा, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, इसका मेरी संस्था से कोई लेना देना नहीं। श्वेता जी, आपने मेरा परिचय कराया। जैसे जैसे सामाजिक जीवन में खुद को समझने का मौका मिल रहा है, परिचय के लिए मुझे इतना ही याद आता है, मिट्टी का तन क्षण भर जीवन, यही मेरा परिचय है। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, तानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है। सागर से भी गहरा हूं मैं, सागर से भी गहरा हूं मैं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ख्वातीन हजरात, देवियों, सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, मंच पर आसीन आज के 7वें राष्ट्रीय छात्र सांसद की मुख्य अतिथि, वो फनकारा, वो अदाकारा जो कल भी अभिनेत्री थी, आज भी अभिनेत्री हैं, कल की अभिनेत्री पर्दों पर थी, आज की आप अभी की नेत्री हैं, आप लोग समझे। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस मंच पर आई, इस मंच की तासीर मैं आपको बताना चाहता हूं। इस मंच की तासीर है कि यहाँ पे जो भी सियासत का व्यक्ति आता है, हमने ये आजमाया है, सुनील भी हम मेरी तरफ देख रहे हैं, हमने ये आजमाया है, जो यहाँ से जाता है वो बड़ा नेता बन जाता है। मंच पर आसीन मेरे अपने बड़े भाई सुनील रायसोनी जी, जिनकी अपनी सोच, उनकी अपनी कल्पना के तहत हर साल ये 2 दिन ऐसे मुकर्रर होते हैं कि हम आप लोगों से रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, और देश की बीते वर्ष में जो समसामयिक बड़ी घटनाएं होती हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो प्रिय मित्रों, प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं NSP की टीम और यहाँ बैठे तमाम वो शिक्षकगण जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि इस सदन में, जय जी आपको लाल कालीन पे चलने का तो अनुभव भी है, देखिए यहाँ पे संसद जैसा माहौल भी है। तो आप लोगों को ये हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 2 दिन लगातार देश के वो नामचीन चेहरे, इतनी शख्सियतें यहाँ पर होंगी, और वो भी कहकशा की शक्ल में, कि जिन्हें आप अगर सुनेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका निजी फायदा आप लोगों के जीवन में और इस राष्ट्रीय छात्र सांसद में आपको जरूर होगा। इन दिनों देश में विश्वविद्यालय किस लिए जाने जा रहे हैं, आप में से कोई कह सकता है?
जी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम विरोध करें, और लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो संसद आवारा हो जाएगी। वो संसद को आवारा नहीं होने देना है। लेकिन जया जी, जो हम अभी बात कर रहे थे, नफरत और जहर मन में रखकर मजहबी तरीके से अगर सियासत को हम चलाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है वो बदजुबान आजम होगा। बोल कि लब तेरे आजाद हैं, बोल कि लब तेरे आजाद हैं, लेकिन मर्यादा और लगाम में हों, उनकी अपनी सीमाएं हों, जो इन दिनों राजनीति और सियासत में दिखाई नहीं देता। मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, अगर एक दो मिनट इधर उधर हो जाए, अगर 370 को हटाने में 70 साल लग सकते हैं तो मेरे 10 मिनट के 12 मिनट हो गए तो सहन कर लीजिएगा। हर साल जया जी इसके करने के पीछे का उद्देश्य, चूंकि यहां पर मौजूद ये युवा पीढ़ी आपको देखना सुनना चाहती है, कल जब मेरी बात हो रही थी सुनील भैया से, तो जब पता चला कि आप आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं तो मुझे ऐसा लगा कि आखिरी रास्ता नहीं है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। और मैंने आपकी वो फिल्म देखी, आप लोग समझे, आप लोगों ने आखिरी रास्ता देखा है जया जी का? तो जया जी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, यहां से सड़क शुरू होती है, क्योंकि नागपुर 0 माइल है। लोकतंत्र की बड़ी विभत्स तस्वीर पिछले साल भर में हमने आपने देखी, और हम लोगों ने कोशिश की कि टीवी के माध्यम से आपके घरों तक पहुंचाएं। और लोकतंत्र को बचाने के दो बड़े जो पिलर, जो खंभे हैं, जब उनको आप 30,000 कोर्ट में आपस में संघर्ष करते देखें तो दिल दहल गया। मैं बात कर रहा हूं 30,000 कोर्ट में वकीलों और पुलिस की मुठभेड़ की। तो इस समय सियासत जो देश में चल रही है, मैं फिर एक बार कह देना चाहूंगा, जो भी मैं कह रहा हूं ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, इसका मेरी संस्था से कोई लेना देना नहीं। इस समय जो सियासत चल रही है देश में, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रोज इसकी समीक्षा करता हूं, रोज बैठता हूं, रोज एक नया मुद्दा होता है, नया मसला होता है, नया बखेड़ा होता है, इसलिए वो देश का सवाल होता है। सियासत इन दिनों जो शक्ल ले रखी है वो शक्ल है, हमें आग भी लगानी है और मातम भी मनाना है, ये देश की सियासत है। तो यहां पर जो लोग दो दिन आपके बीच कहकशा की शक्ल में आएंगे, मेरा आपसे अनुरोध है कि उन्हें आप ध्यान से सुने, समझें। वो अपने अपने फील्ड के माहिर व्यक्तित्व के धनी हैं जो आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, क्योंकि इन दिनों आसमान में कोहरा घना है। दिल्ली से उड़कर आना, जया जी बता रही थी हैदराबाद से मुंबई और मुंबई से नागपुर का रास्ता, सियासत भी ऐसी है, उथल पुथल भरी जिंदगी, उबड़ खाबड़। तो आप लोग जब यहाँ मेहमान आए, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों के तारीफ में जो मैंने कसीदे गढ़े थे, जय जी, इस सदन की एक और खासियत है, यहाँ से कोई उठ कर नहीं जाता। ये हमारे देश की संसद नहीं कि आप सांसदों को आते जाते देखें। यहाँ अगर बच्चे आपको ऐसे बैठे दिख रहे हैं तो आपको जितने सेशन होंगे इसी अनुशासन के साथ यहाँ पर बैठे दिखेंगे। वैसे सच कहूं तो आप लोगों की तालियों में मजा नहीं आया, जो जया जी हमेशा याद रखें। लोकतंत्र जिंदा रहने के दो बिंदु हैं जो मैं समझता हूं एक राजनीति का छात्र होने के नाते, और वो दो बिंदु जो मुझे लगते हैं वो ये हैं, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे देश की सियासत और हमारे देश के नेता ये समझ लें, इन दोनों बिंदुओं पर रहकर अगर देश को आगे बढ़ाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको, हमको दुनिया की ताकत बनने से रोक दे।
लेकिन क्या करें, सियासत है, आग भी लगानी है। मैंने दूसरा क्या कहा था? अब जया जी मेरी आदत है, मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण देकर अपनी बात रखना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे एयर टाइम की कीमत पता है, नो रिटेक्स। हम लोगों में रिटेक्स नहीं होते, जो बोल दिया गोली निकल गई निकल गई। गीता को हम बार बार क्यों पढ़ते हैं? कैन एनी वन फ्रॉम यू? गीता को हम बार बार इसलिए पढ़ते हैं कि एक नई सीख, नया उपदेश और हर बार एक नया विचार मिलता है। ठीक उसी तरह ये राष्ट्रीय छात्र सांसद भी हर साल गीता की तरह होती है। यहां पर आप लोग आते हैं एक नए विचार को लेकर लौटने के लिए। ये विचार देशभर से जब लोग आकर आपके बीच साझा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आपके चक्षुओं को खोलता है, आपका कैनवस बड़ा होता है। तो मैं फिर एक बार आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को विराम दूं, मैं आग्रह करना चाहता हूं, और मैं इस सदन में हमारी अपनी वो तेज तर्रार शालीन बीजेपी की प्रवक्ता, जिनको आप टेलीविजन स्क्रीन पर रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, अंग्रेजी भी और हिंदी भी, लेकिन वो चीख पुकार और चीख चिल्लाहट नहीं होती जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, ऐसी अनिला सिंह जी भी सदन में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अनिला जी। क्या बातें कर रहे हैं मियाँ, क्या बातें कर रहे हैं इलियास साहब। देखिए, उसी शहर से हमने एक और मेहमान को बुला लिया, ऐसे टेलीविजन पे फिर वो एक तेज तर्रार बेबाक चेहरा इलियास सहराफुद्दीन साहब जो हैदराबाद से उड़कर यहाँ आए। देखिए, जब मेहमान यहाँ आते हैं, वो शख्सियत जब आपके बीच आती है तो आप ये समझिए वो अपने जीवन का सबसे अमूल्य समय आपके साथ बांटने के लिए अपने सारे कामों को ताक पे रखकर पहुंचे हैं। तो फिर मेरा ये आग्रह है कि आप लोग उन्हें ध्यान से सुनें, समझें, और जो आपके काम के लायक हो उसे आप आत्मसात करें, बाकी तो घर जाना है। तो आप लोगों ने मुझे सहन किया, बहुत थोड़े में बात करने का मौका मिला। लगातार इसी तरह हम राष्ट्रीय छात्र सांसद जया जी हर साल करते हैं, और सुनील जी का ये संकल्प है कि रायसोनी, ये इट्स अ कैलेंडर इवेंट, इलियास जी, अनिला जी, इट्स अ कैलेंडर इवेंट ऑफ नागपुर, कि हर साल लोगों को इंतज़ार रहता है कि नागपुर में वो कौन से तारे सितारे आएंगे जो जनवरी के महीने में कोहरे को छटा कर रायसोनी के मंच पर दिखेंगे। तो फिर एक बार आपको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि इस साल की छात्र सांसद भी आपके जीवन में नया आयाम, नई तरक्की और सफलता के नए कदम चूमता रहेगा। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद मनीष जी, और मनीष जी ने जो बिंदु हमें दिए हैं निश्चित रूप से उन पर चर्चा भी होगी, विचार भी होगा, चिंतन भी होगा, निष्कर्ष भी निकलेगा, आगे की दिशा भी मिलेगी। मंच पर अब जो शख्सियत विराजमान है उनके बारे में वैसे तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, आप बस कह दें जया प्रदा जी तो सब कुछ अपने आप सामने आ जाता है। तो उनके लिए अगर कोई कुछ कहना चाहे तो उससे ज़रूर ये कहना होगा कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चराग, सूरज को क्या चराग दिखाया जाए। मगर चलिए ये नादानी थोड़ी सी कर लेते हैं। जया प्रदा जी एक अभिनेत्री के रूप में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं, और उनके अभिनय की एक नहीं अनेक झलक हम हमेशा किसी न किसी चैनल पर देखते ही रहते हैं। अगर हम पूरे भारत की ज़्यादातर भाषाओं में काम कर चुकी सफल अभिनेत्रियों की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें अग्रणी नाम पर
जो लोग होंगे उनमें जयाप्रदा जी का नाम शुमार ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अपने करियर के शिखर पर रहते हुए जन सेवा के उद्देश्य से, समाज को कुछ वापस देने के उद्देश्य से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अब तक की उनकी राजनीतिक यात्रा इस बात की गवाह रही है कि वे सच्चाई के लिए, जन अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दों के लिए सदैव खड़ी होती रही हैं। तो निश्चित रूप से हम जब राष्ट्रीय छात्र संसद 2020 के उद्घाटन की बात कर रहे हैं तो ऐसी प्रखर अभिनेत्री और ऐसी समर्पित राजनेता का मुख्य अतिथि के रूप में आना हमारा सौभाग्य है। आई नाउ रिक्वेस्ट जयाप्रदा जी टू प्लीज ब्लेस अस विथ योर वर्ड्स ऑफ विजडम ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रल सेशन ऑफ नेशनल स्टूडेंट पार्लियामेंट 2020। मंच पर उपस्थित इस रेजोनी फैमिली के लिए एक लक्ष्य के साथ, मोटिवेशन के साथ इस कॉलेजेस को आगे बढ़ाने वाले श्री सुनील रेजोनी साहब एंड एमिनेंट पर्सनालिटी, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल, उनके व्यस्त समय से कुछ समय हमारे लिए दिया है इस मंच पर उपस्थित मनीष अवस्थी जी, जनाब इलियास साहब, फैकल्टी, रेस्पेक्टेड फैकल्टी, डियर स्टूडेंट्स, माय डियर गर्ल्स, बॉयज, आप सबको जयप्रदा का नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूं। मैं हैदराबाद से जब निकली तो मैं आपके बारे में सोच रही थी कि मैं किस तरह आपसे मिलूंगी। टुडे आई एम सो हैप्पी। मैं रात भर सोच रही थी कि मुझे नींद बहुत डिस्टर्ब थी, मैं कि मैं आपसे किस तरह अपने बारे में बताऊं और ताल्लुक रखूं। यहां आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई एम मीटिंग ब्यूटिफुल पीपल, टैलेंटेड स्टूडेंट्स, वेरी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स। द क्रेडिट गोज टू आर सुनील जी एंड द फैकल्टी। मनीष जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। जब मैं बचपन में स्कूल जाती थी तो मैं 13 साल में एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आई तो मैं फिल्मों में 13 साल के अंदर फिल्मों में आने का एक मौका मिला। आई यूज टू मिस माई स्कूल, आई यूज टू मिस द कॉलेज डेज। तो मुझे जब जब मौका मिलता था तो मैं स्कूल में और कॉलेजेस में, मैं इस तरह का जो प्रोग्राम्स में जाने के लिए बहुत मन करता था। आई यूज टू मिस द कॉलेज एक्टिविटीज, कॉलेज में किस तरह उनका स्टडीज हो, एन्जॉयमेंट हो, तो वो सब मैं एक सपने की तरह देखती थी। तो आज मैं यहाँ आने से पहले रात भर यही सोच रही थी कि
कि आप लोगों को मैं क्या मैसेज दूं, इस छात्र छात्राओं को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया। मनीष जी, मैं इन लोगों को देखती हूं तो हमेशा लगता है आईना देखती हूं तो तेरी तस्वीर नजर आती है, आईना देखती हूं तो तेरी तस्वीर नजर आती है और तेरे साथ साथ तेरे जीवन का संग संग रहने का इच्छा भी रहता है। आईना देखती हूं तो तेरी तस्वीर नजर आती है, तेरे साथ तेरे जीवन का एक सपना देखते हुए हमेशा आपके संग संग रहना चाहती हूं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं, अभी आप बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स एक मेरे जीवन का एक मिसाल है, एक ब्लाइंडिंग नेचर टू गिव इट टू द सोसाइटी व्हाट आई हैव अर्न एंड ब्लेस्ड बाय द पीपल। तो मैं ये बोनस की तरह ट्रीट करती हूं एंड समाज के लिए मैं एक रिटर्न गिफ्ट, मैं ऐसे क्या दे सकती हूं वो मैं देने के लिए पूरी भरपूर मैंने कोशिश की थी, लेकिन समाज ऐसा नहीं है। मैं इनवाइट करना चाहती हूं माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक अच्छे पॉलिटिक्स करने के लिए, अच्छे पढ़ाई के लिए, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, कि आपको क्या करना है और क्या करना चाहते हैं, इस देश के लिए आपका कमिटमेंट क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, उसके बाद हम अपने गुरु को भी याद रखना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहती हूं आपको, जब मैं 13 साल में फिल्म इंडस्ट्री में आई और स्टार बनने के बाद पॉलिटिक्स में गई और पॉलिटिक्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा मैं जाने बनने के बाद वापस मैं वही स्कूल पे वही कॉलेज में गई, तो आपको पता है क्या हुआ? एक बात बताना है कि हमारे वही टीचर्स जो मुझे उंगली पकड़कर बड़ा किया है, उन्होंने मुझे सीखा है कि मुझे क्या कहना है और किस तरह जीवन में रहना है। मैं उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में जब गई तो वहाँ के जो टीचर्स और जो प्रोफेसर्स हैं उनके आंखों में इतने खुशी के आंसू हैं। उन्होंने कहा था कि मैं, हम अभी जयाप्रदा बुलाएं या मैडम जयाप्रदा बुलाएं या ललिता रानी बुलाएं, मेरा राम ओरिजिनल नाम ललिता रानी है। तो उनके आंखों में आंसू देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं, उसके बाद आई वाज स्पीचलेस। मैं ये कहना चाहती हूं कि आप कुछ बनकर जाओगे इस दुनिया, इस स्कूल से या इस कॉलेज से, जरूर माँ बाप के बाद आपके टीचर्स और प्रोफेसर्स, दे आर द ब्लेसिंग, गॉड के बाद वही लोग आपके साथ रहेंगे। आई विश आप इत सब ने, इतना टैलेंटेड लोग हैं, यहाँ का जो डिसिप्लिन देखने के बाद, आई नो दैट आप लोग बाहर जाने के बाद बहुत नॉटी होते हैं, इतना सीरियस रहने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ, कोई भी चीज आपको जो अच्छा लगता है, अगर आप फोन खरीदते हैं तो फोन आपको देखने में अच्छा लगता है तो यू शुड बाई योर फोन, अगर आपको गाड़ी खरीदने में अच्छा लगता है तो गाड़ी खरीदना चाहिए, अगर आपको पढ़ाई में अच्छा लगता है तो पढ़ाई चाहिए, लेकिन कंफर्ट भी देखना चाहिए कि आपको किस तरह जाना चाहिए, आपका मोटिवेशन क्या है इस जीवन के बाद, मतलब स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर यू नो लक्ष्य क्या है आप लोगों का। आज पॉलिटिकल सिचुएशन में मुझे गॉड ने दो प्रोफेशंस मेरे लिए दिया है एक साथ, एक तो मैं फिल्म के लिए और दूसरी बात हमारे इस पॉलिटिकल एरिना में किसी का सपोर्ट हो या किसी के पार्टी का सपोर्ट हो
तो यू कैन डू सो मेनी थिंग्स. अगर आप इंडिविजुअली लड़ना चाहते हैं या किसी के लिए इस देश में कोई भी इश्यू के लिए आप लड़ना चाहते हैं, वी कैन नॉट फाइट अलोन. बट हम लोगों को सच्चाई के लड़ना जरूरी है. हम लोग ऐसे किसी से कम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना हुनर पता है. जिस तरह भी चल पड़ूंगी रास्ता बन जाता है. तो आज आप लोग वही हैं. मैं समझती थी कि मैं बहुत बहुत ही मैं शाई टाइप की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैं 10 लोगों के बीच में बोल भी नहीं सकती थी. लेकिन आज 2-2 घंटे 3-3 घंटे मैं बोल भी सकती हूँ. और आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ मुझे बोलने में और मज़ा आ रहा है. तो आज मैं एक ही बात आपसे कहना चाहती हूँ कि चाहे हमारे इस देश में बहुत इश्यूज चल रहा है, चाहे लड़कियों के बारे में खासतौर, लड़कियों के प्रोटेक्शन के बारे में खासतौर हम लोगों को ध्यान रखना है. लड़की हो तो माँ बाप सोचते हैं कि हम लड़की को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए. ऐसी जो जगह में मैं पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर गई, मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी है रामपुर उत्तर प्रदेश, वहां पे स्टूडेंट्स के लिए, वहां पे खास तौर गर्ल्स के लिए 8वां के बाद लड़की नहीं पढ़ सकती. तो उस तरह एटमॉस्फेयर में मैं पढ़ाने का एक माइंडसेट नहीं है, गर्ल्स को पढ़ाना है. उस समय पे मैंने मन ठान लिया और आई हैव मेड माय माइंड टू यू नो क्रिएट प्रोफेशनल कोर्सेस. तो मैं नर्सेस नीलेवेणी स्कूल ऑफ नर्सिंग, देन डीएलएड, इस तरह का टीचर्स का कोर्सेस जो लड़कियों के लिए बेस बना के उनको एक प्रोफेशनल अपने पैरों पे खड़े होने के लिए एक ऐसे मौका देने के लिए हमने कोशिश किया है. और हम लोगों के पढ़ाई के परसेंटेज क्या है वहां पे, सिर्फ 30% 40% है. और किस समाज में हम जी रहे हैं, लड़की बाहर जाती है तो लड़के छोटे छोटे बच्चियों को उनके ऊपर हमला होता है, उनके ऊपर रेप होता है. और कैसे समाज में हम जी रहे हैं. मैं पुरुष के लिए मैं विरोध नहीं बोल रही हूं, आई लव बॉयज ऑल्सो, लेकिन उनके बात अलग है. सोसाइटी में आज ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल्स. एक समाज में ऐसा भी है कि महिलाओं के लिए एक 3 तलाक के ऊपर जो महिलाओं के लिए जो भार हो रही है उससे उनको निकाल के इस समाज में इक्वालिटी के बात हो रही है, तो उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं. तो इस तरह 370 के बारे में भी आज गवर्नमेंट जो डिसीशंस लिया है, ये आगे देश में हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा मौका दिया जा रहा है. आज मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस तरह पढ़ने के बाद, ये आप ही हैं इस देश को मोटिवेशन देने के लिए, एक आप हैं. और आज जो समाज में जो लड़कियों के लिए अलग प्रोटेक्शन देने वाली बात खत्म होना चाहिए, इसलिए कह रहे हूं कि अपने आप में शी इज अ वंडरफुल, सोसाइटी के लिए एक वरदान है. वी आर इक्वल बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर इक्वल. तो वो दिन हम देखना चाहते हैं. ये गांधी जी का समाज है, गांधी जी का देश है ये. तमसुम ज्योतिर्गमयी, यहां से फ्रॉम डार्कनेस टू लीड टू द लाइट, ये आप ही कर सकते हैं. ओनली रैजोनी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो आप छात्र छात्राएं कर सकती हैं, इसके लिए मैं आपको क्रेडिट देना चाहती हूं. और आप अगर इस समाज के लिए कुछ पढ़ने के बाद यहां से आप जाके इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे देश जहां पे हमारे ये एक नव निर्माण जो समाज आप बना सकते हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं. और आप भी वोट लीजिएगा
कि हम यहाँ से जाने के बाद पढ़ाई करने के बाद हमें इस देश को कुछ ऐसे करके दिखाना है ताकि इस देश हमेशा खुशहाल में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जया जी। और अब समय है इस वर्ष की स्मरणिका के विमोचन का, टाइम फॉर रिलीज ऑफ सोवेनियर। आई रिक्वेस्ट द डिग्निटरीज ऑन द डायस टू प्लीज रिलीज द सोवेनियर ऑफ नेशनल स्टूडेंट पार्लियामेंट 2020, राष्ट्रीय छात्र संसद 2020 की स्मारिका का प्रकाशन, उसका विमोचन। मंचासीन त्रिमूर्ति श्री सुनील रायसोनी जी, श्री मनीष अवस्थी जी और जया प्रदा जी के कर कमलों से। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती जया प्रदा जी का कि उन्होंने हमारे आग्रह भरे आमंत्रण को स्वीकार किया यहाँ राष्ट्रीय छात्र संसद 2020 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इस मंच की गरिमा बढ़ाई और अपने ओजस्वी शब्दों से आप सबकी हौसला अफजाई की। श्री मनीष अवस्थी जी वैसे तो हमारे अपने हैं और अपनों का आभार क्या माना जाए, लेकिन इसी अपनायत के लिए उनका आभार और ये अपनायत यूं ही बनी रहे और बढ़ती रहे, ये शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुनील रायसोनी जी का जिन्होंने राष्ट्रीय छात्र संसद की इस ज्योत को प्रज्वलित रखा है 7 वर्षों से और आगे अनेक वर्षों तक प्रज्वलित रखने का संकल्प लिया है। मंचासीन त्रिमूर्ति का धन्यवाद करते हुए आप सभी की उत्साहपूर्ण उपस्थिति के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और इस उद्घाटन सत्र से लेकर कल होने वाले अंतिम सत्र तक आपकी ऐसी ही उपस्थिति और ऐसा ही रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, इस आशा के साथ उद्घाटन सत्र का समापन कर रहे हैं और उसके तुरंत पश्चात हम आज के प्रथम सत्र का शुभारंभ करेंगे। आदरणीय अतिथि कृपया अब मंच के सामने स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः करतल ध्वनि से हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। अगला जो सत्र है, जैसे कि आपको भूमिका में भी बताया गया था, श्री रायसोनी जी और मनीष भाई ने भी बताया कि जो इस वर्ष के ज्वलंत मुद्दे हैं जिन्होंने संसद से लेकर सड़क तक समाज मन को झकझोरा है और बात केवल संसद में चर्चा तक सीमित न रहकर सड़क पर विरोध प्रदर्शनों और टीवी पर हीटेड डिबेट्स तक पहुंची है और अब भी बहुत सारे मतभेद और मनभेद भी हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह के। विद एन ओपन माइंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बर्निंग मैटर्स। और उनमें सबसे पहला जो मुद्दा है जिससे आज शुरुआत होने जा रही है चर्चा की, ये हमारे यहाँ जो औपचारिकता में कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, तो आज वो पहला मुद्दा महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वैसे तो बड़े ही दुर्भाग्यवश हम लोग जाति धर्म और पंथ के आधार पर बंटे हुए हैं और कुछ लोग अपने स्वार्थों को साधने के लिए इस विभाजन को और बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर गौर से सोचा जाए तो ऐसा लगता है कि दुनिया में हर महिला का, हर औरत का, हर स्त्री का एक ही जात है, एक ही धर्म है और एक ही देश है, उसका औरत होना। बीइंग अ वुमन इज द कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी एंड रिलीजन ऑफ अ वुमन। तो इसलिए स्त्री से जुड़े हुए मुद्दों पर जब बात होती है तो उसे जाति, धर्म, पंथ और देश का चश्मा उतार के देखा जाना चाहिए। इस प्रामाणिक मत के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं और प्रथम सत्र के वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। ये जो प्रथम सत्र है जो है
ट्रिपल तलाक, सजा या आजादी। इस सत्र के वक्ता हैं, सबसे पहले इस सत्र के मॉडरेटर श्री दिनेश गौतम जी, जो कि जाने माने टीवी जर्नलिस्ट हैं, उन्हें मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं। और दिनेश गौतम जी इस सत्र को मॉडरेट करेंगे। आपके साथ जो वक्ता इस सत्र में शामिल होने जा रहे हैं, शहजाद पूनावाला जी, जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और चिंतक, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी अनिला सिंह, शांति के लिए इस्लाम का संदेश देने वाले मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब, और विक्टिम से संघर्षरत महिला अधिकार कार्यकर्ता तक का सफर तय करने वाली फरहीन जी, आप सभी को मैं इस मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूं। ट्रिपल तलाक, सजा या आज़ादी, इस विषय पर आज वक्ता यहाँ पर चर्चा करेंगे आपस में, और इनमें हमारे दो स्टूडेंट स्पीकर्स भी शामिल होंगे, और अगर समय होगा तो आपको भी कुछ प्रश्न अवश्य पूछने की अनुमति दी जाएगी। ये जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, इसके बहुत सारे इससे जुड़े हुए पहलू हैं, और इन पहलुओं पर कभी तो ठीक तरह से और कभी कभार चीख चिल्लाकर अलग अलग पक्षों से जुड़े हुए लोग अपनी विचार रखते रहते हैं। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से आयोजित राष्ट्रीय छात्र संसद के मंच पर हम ये चाहते हैं कि इसे धार्मिक, जातीय और राजनीतिक रंग न देते हुए मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, और मानवीय दृष्टिकोण से हम इस पर विचार करें। इसीलिए हमने इस मुद्दे से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को बुलाया है, जिनमें एक विक्टिम भी शामिल हैं, जिन्होंने खुद इस पीड़ा को झेला, इस दर्द को सहा। वो व्यक्ति भी शामिल हैं जो पूरी दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम दरअसल शांति, अमन, खुलूस और प्यार का पैगाम देता है। वो चिंतक भी शामिल हैं जो मानवाधिकारों को सबसे पहले रखते हैं और राष्ट्रीयता को ही अपना धर्म मानते हैं। वो टीवी जर्नलिस्ट भी शामिल हैं जो चीखने चिल्लाने वाले एंकर्स की लिस्ट में शुमार नहीं हैं, बल्कि जिनकी बातें विचारोत्तेजक होती हैं और जो मानते हैं कि हर शब्द का अपना वजन है और हर शब्द का अपना महत्व है। और हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इसमें शामिल हैं। तो हर पहलू को हमने देखने की कोशिश की है, और अगर इस मुद्दे पर हम विचार करें कि ये बात शुरू कहाँ से हुई, तो शायद आपकी पीढ़ी को नहीं पता होगा, लेकिन आपके टीचर्स को पता होगा, शाहबानो केस जो हुआ था, जिसमें उम्र के 6 दशक पार करने के बाद एक महिला को अपने अधिकार पाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट तक की दहलीज खटखटानी पड़ी थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला तो दिया जो लगा कि उस महिला के हक में है, लेकिन तब दुर्भाग्यवश भारत की संसद उस कानून के साथ खड़ी नहीं हुई और उसने दूसरा कानून बनाया। वहाँ से वो बात चल रही थी, वहाँ से वो चर्चा चल रही थी कि एक बार में
तलाक 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 कह देने से क्या वो जीवन भर का रिश्ता समाप्त हो जाता है? वो 90 दिनों की मियाद क्यों नहीं मानी जाती कि 90 दिनों के भीतर 3 बार तलाक कहना चाहिए और फिर बीच में रिश्तेदारों और परिवार के द्वारा समझौते की कोशिश की जानी चाहिए? और तलाक के बाद उस महिला का क्या, उसका, उसके और उसके बच्चों का क्या, उनका ख्याल कौन करेगा? ये सब बातें थीं जिन बातों को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं ने, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने और उन महिलाओं ने जो इस तलाक के मुद्दे से प्रभावित हुई थी, जिनको, जिनकी जिंदगी एक रात में, एक दिन में बदल गई थी, उन्होंने इसके लिए संघर्ष शुरू किया। उसके बाद संसद में ये बिल पास हुआ। बिल पास होने के बाद भी मुद्दे पे चर्चा थमी नहीं है, क्योंकि इसके दूसरे भी पहलू हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये कानून इस बात की अनदेखी करता है कि अगर शौहर को जेल में भेज दिया जाएगा तो बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उनका ख्याल कौन करेगा। कुछ लोग इसे हिंदू और मुस्लिम के संघर्ष से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ रहे हैं। अलग अलग पहलू हैं, लेकिन जिस पर इसका असर होता है वो महिला क्या कहती है, उसकी क्या बात है, उसका क्या पक्ष है, वो भी सुना जाना चाहिए। दूसरे देशों में ये कानून क्या कहता है, वहाँ पर ट्रिपल तलाक को क्या मान्यता प्राप्त है, इसको भी देखा जाना चाहिए। और फिर हमारी संसद ने जो कानून पास किया है उसमें यदि सुधार की कोई गुंजाइश है तो वो गुंजाइश कहाँ से बनेगी, कैसे उसमें सुधार लाया जाए, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। इन बिंदुओं के साथ हम आज इस सत्र की शुरुआत करना चाहते हैं। इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ जो अतिथि शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। जो मॉडरेटर हैं श्री दिनेश गौतम, मूलतः वे मध्य प्रदेश से हैं, विज्ञान के विद्यार्थी रहे और उसके पश्चात मास कम्युनिकेशन की ओर मुड़े। 2 दशकों से हम अलग अलग चैनल्स पर उनके प्रखर विचारों को और ज्वलंत मुद्दों पर उनके द्वारा किए जा रहे विचार मंथन को देखते और सुनते आ रहे हैं। उन्होंने न केवल टीवी पर अलग अलग चैनल्स में अपनी बात रखी है, बल्कि फिल्म के माध्यम से भी वो हमसे जुड़े हैं। फिर चाहे वो स्क्रीन प्ले में किसी निर्देशक की मदद करने की बात हो या फिर किसी फिल्म में एक भूमिका करने की बात हो। अब तक आपने महेश भट्ट जी के लिए 3 नाटकों का लेखन और 1 का निर्देशन भी किया है और आपको वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल इंडियन टेलीविजन अवार्ड एज बेस्ट टीवी हिंदी न्यूज एंकर के तौर से नवाजा जा चुका है। श्री दिनेश गौतम का स्वागत करने के लिए मैं माधुरी बरुआ जी को आमंत्रित कर रही हूँ। मंच पर विराजमान पैनल एक्सपर्ट्स में से मैडम अनिला सिंह, जो कि एक सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मूल तौर पर उत्तर प्रदेश से हैं। आपने ह्यूमैनिटीज़ और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में शिक्षा हासिल की है। आप ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की डायरेक्टर हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनैतिक नेत्री हैं। अंत्योदय फाउंडेशन, जो कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्यरत है, इस फाउंडेशन का आप नेतृत्व करती हैं। अनिला जी महिला समानाधिकार और महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ी ही मुखर रही हैं
और अनेक व्यक्तियों को उन्होंने इस आंदोलन से जुड़ने की प्रेरणा दी है। आपको योग कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा इंडो यूरोपियन चेंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस के द्वारा राष्ट्रीय विमेन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा ग्लोबल स्मार्ट विमेन स्मार्ट सिटीज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्रीमती अनिला सिंह का स्वागत करने के लिए मैं ज्योति पिल्ले को आमंत्रित कर रही हूं। अनिला मैम इस बात का उदाहरण है कि आवाज ऊंची किए बिना, शोर शराबा किए बिना और अपशब्दों का प्रयोग किए बिना आप विचारों की ताकत से विरोधी पर मात पा सकते हैं। और टीवी पर चीखते चिल्लाते हुए डिबेट्स के बीच ऐसी व्यक्ति को सुनना एक बहुत राहत देता है। आज इस मंच पर आप उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत। श्री मोहम्मद अजीमुद्दीन, जिन्हें इलियास शरफुद्दीन भी कहा जाता है, वो भारतीय सेना के नायक के सुपुत्र हैं। आप स्वयं को इस्लाम का विद्यार्थी मानते हैं, लेकिन दुनिया आपको इस्लाम का चिंतक और ज्ञाता मानती है। आप इसके अलावा अन्य धर्मों का भी अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं और इस बात की कदर सभी विचारकों और चिंतकों के द्वारा की जाती है। 7,000 से अधिक विद्यार्थियों को आपने पढ़ाया है और उनके जीवन को एक नई दिशा दी है। सैकड़ों टीवी डिबेट्स में आपने धर्म से जुड़े हुए पहलुओं पर लोगों की कई जो मतभेद होते हैं या कई गलतफहमियां होती हैं उन्हें दूर किया है। पूरे विश्व में 10 वर्षों में 2,000 से अधिक उद्बोधनों के माध्यम से आपने लोगों में शांति और प्रेम का संदेश फैलाया है। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर आप लोगों को बताते हैं कि दरअसल वो इस्लाम क्या है जो पैगंबर साहब इस दुनिया को सिखा के गए। श्री मोहम्मद अजीमुद्दीन जी का इस मंच पर स्वागत करने के लिए मैं कंचन तिवारी को आमंत्रित कर रही हूँ। इस मंच पर एक ऐसी महिला है जो इस विषय पर न तो किताबी ज्ञान देगी और न दूसरों के किस्से सुनाएगी, क्योंकि वो खुद उस तकलीफ से गुजरी है जो ट्रिपल तलाक के कारण महिलाओं को होती है। और विक्टिम से लेकर संघर्षरत कार्यकर्ता होने का सफ़र फरहीन ने तय किया है। एमए वो कर चुकी थी, अब वो पीएचडी करने जा रही हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी एक नई दिशा दिखाने जा रही हैं। फरहीन जी का स्वागत करने के लिए मैं औरोमिता पावा को आमंत्रित कर रही हूँ। अरोमिता पावा स्वागत कर रही हैं फरहीन जी का। इस मुद्दे पर पैनल डिस्कशन में जो एक कुर्सी मंच पे खाली है वो जल्दी ही भर जाएगी और हम इंतज़ार में हैं शहजाद पूनावाला जी के, कि ये कहकर कि हम दिल को बहला रहे हैं वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। बहरहाल अब वो वाकई चल चुके हैं और बस
ऊपर आ ही रहे हैं। तब तक आपको बताना चाहूँगी कि जो मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल, जिसे कि हम ट्रिपल तलाक बिल कहते हैं, वो जो पास किया संसद ने, उसकी संघर्ष यात्रा की शुरुआत जो हुई थी, कानूनी लड़ाई जिन महिलाओं ने लड़ी, उनमें कुछ महिलाएं प्रमुखता से शामिल रहीं, उनमें एक हैं उत्तराखंड के काशीपुर की शायरा बानो, जो कि इसमें मुख्य याचिकाकर्ता हैं। उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, वो डिप्रेशन में भी गईं इस मुद्दे के चलते, और कई धमकियों का सामना किया, सामाजिक बहिष्कार की धमकी भी उसमें शामिल थी, लोगों ने उन्हें इस्लाम का दुश्मन भी करार दे दिया, लेकिन फिर भी वो अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटी और मुखरता से प्रखरता से संघर्ष करती रहीं। उसके बाद जयपुर की रहने वाली अफरीन रहमान, जिन्होंने न केवल ट्रिपल तलाक बल्कि दहेज के मसले पे भी सामना किया, आ गए हैं शहजाद पूनावाला साहब, जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो हुजूर अब बिना वक्त गंवाए आप मंच पे आ जाइए, मंच आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। शहजाद पूनावाला जी जो कहते हैं, माय रिलीजन इज इस्लाम, कल्चर इज हिंदू एंड आइडियोलॉजी इज इंडियन, जय हिंद। सुप्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता, जो कि जल्दी ही एक किताब के माध्यम से हमसे अपने विचार रखेंगे, शहजाद पूनावाला जी, उनका इस मंच पर स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर आरती देशपांडे को आमंत्रित कर रही हूँ। आप देर आए दुरुस्त आए, उम्मीद है कि इन सभी ओजस्वी हस्तियों की उपस्थिति में इस पैनल डिस्कशन से इस विषय पर विचार को एक नई दिशा मिलेगी और युवाओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो इस विषय पर संघर्षरत कार्यकर्ताओं के नाम मैं आपको बता रही थी। तीसरी इशरत जहां हैं, जो कि हावड़ा से हैं, गुलशन परवीन हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, आतिया साबरी हैं हरिद्वार के सुल्तानपुर की। तो पश्चिम, उत्तर, पूर्व भारत और दक्षिण के भी सभी ओर की महिलाओं की वो विशेष मांग थी, उनका संघर्ष था, जिसकी परिणति इस बिल के पास होने में हुई। लेकिन क्या बिल पास हो जाने से मुद्दा मिट गया है या उसके दूसरे बाजू हमारे सामने आ गए हैं, इस पर मैं अब कुछ और बोलने वाली नहीं हूँ। हमारे मंच पर एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं अब दिनेश गौतम जी को और मंच पर विराजमान विशेषज्ञों को ट्रिपल तलाक, सजा या आज़ादी, इस पर विचार मंथन करने के लिए मंच सौंपती हूँ। धन्यवाद मैडम, और जितने बढ़िया तरीके से ट्रिपल तलाक इस मुद्दे को और इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं को आपने पहले ही लोगों के सामने रख दिया है, उसके बाद असल में हमको उन्हीं गलियों से होकर गुजरते रहना है जहां से लेकर आप ऑडियंस को अभी तक जा चुकी हैं। बहुत धन्यवाद रायसोनी ग्रुप, इस तरह के मुद्दों पर जिनसे इस देश का सरोकार है और जिन पर अपनी धारणा और अवधारणा को बनाना उन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जिनके कंधों पर आने वाले दिनों में देश के भविष्य को सुनहरे कल की तरफ ले जाने की जिम्मेदारी है। तो एक इंस्टीट्यूशन न सिर्फ एकेडमिकली बच्चों को इनेबल कर रहा है, एनरिच कर रहा है, बल्कि वो इंस्टीट्यूशन उन तमाम मुद्दों पर भी यूथ को एक्सपोजर दे रहा है जिनके संबंध में जानकारी रखना और जानकारियों से लैस होना, ताकि किया क्या जाना है इस देश के भविष्य के संदर्भ में उन्हें पता हो, क्योंकि आखिरकार वो ही अब आगे ईंटें रखने वाले हैं इस देश की तामीर में। तो ये प्रयास बहुत सराहनीय है और आप लोगों ने इतने स्नेह और आदर के साथ हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया। जरिया बड़े भाई साहब मनीष अवस्थी जी बने, जिनका प्यार
और मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों को मिलता रहता है, और जब इस बारे में मुझे पता चला तो बड़ी खुशी हुई। खुशी इसलिए भी हुई क्योंकि न सिर्फ मुझे नागपुर जाकर एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में बातें समझने और रखने का मौका मिलेगा, बल्कि इसलिए भी हुई क्योंकि यहाँ से 2.5 घंटे की दूरी पर मेरा घर है छिंदवाड़ा में, और इस बहाने मैं करीब 7-8 साल से अपने घर से दूर विभिन्न वजहों से नहीं आ पाया था, और ये एक मौका बन गया मुझे घर जाकर तमाम लोगों से, अपने दोस्तों से, बचपन के मित्रों से मिलने का। बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत आभार, मंच पे आए हुए तमाम विद्वत जनों का, सम्माननीय लोगों का बहुत हृदय से स्वागत। और ये मुद्दा ऐसा है जिसको कुछ लोगों ने न जाने कब से चली आ रही एक कुरीति के तौर पर देखा, और ये समझा कि ये कुरीति धर्म की जो विशाल चादर है उसमें एक गैर जरूरी पैबंद है जिससे अब छुटकारा हमारे समाज को मिलना चाहिए। और जब उन्होंने सोचा तो समग्रता में ये सोचा कि ये हमारा जो समाज है ये देश है। जब समाज हम कहते हैं तो हम देश की अवधारणा को पुष्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि हर किसी के नजरिए को आप अपने नजरिए में शामिल नहीं कर सकते, हाँ ये जरूर है कि अगर आपका नजरिया नेक नियत है, अगर आपका नजरिया विशाल हृदयता से संचालित है, और अगर आपका नजरिया अधिसंख्य वो लोग जो उससे पीड़ित हैं उनकी भलाई के लिए है, तो आखिरकार वो लोग भी जो आपसे मतांतर रखते हैं आखिरकार उसमें शामिल होते हैं, ये समझते हुए कि इसमें सदाशयता है, इसमें किसी तरीके का कोई और इरादा नहीं है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है कि कोई भी बात आप अमूमन देखें हमारे इंस्टीट्यूशंस में, मसलन जब हम पढ़ रहे होते हैं आप इससे रिलेट कर पाएंगे स्टूडेंट्स खासतौर से, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ, जब हमारे पास कोई नया टीचर आता है तो अक्सर हम एप्रिहेंसिव रहते हैं, पता नहीं क्यों नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से पहले एक्सीड कर जाती है। जो पहले हमारे दिल में आता है वो ये होता है, यार ये ठीक तो होगा ना, ये आदमी, ये टीचर ठीक तो होगा, ये प्रोफेसर ठीक तो होगा। इसी तरीके से जब हम किसी और जगह पे जाते हैं, जब हम काम करना शुरू करते हैं और हमको पता होता है कि हमारा जो बॉस है वो कोई और आने वाला है जिसको हम अभी नहीं जानते, जिसके बारे में सुनी सुनाई कुछ बातों से हमने अपना परसेप्शन बनाया होता है, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो आदमी कैसा है, और पहले एप्रिहेंसिव रहते हैं, ठीक तो होगा ना। एप्रिहेंसिव हो जाना पहले नई चीज के लिए अमूमन ये मानवीय स्वभाव है, और इसलिए मैं ये भी समझता हूं कि कुरीतियां, चाहे वो बाल विवाह हो, पहले तो ये कि आप उसको कुरीति कहेंगे क्या, ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन है। फिर आप उसको अगर कुरीति मानते हैं तो कुरीति से छुटकारा, अब बाल विवाह जिस समय ये कहा गया कि ये कुरीति है, तो क्या उस समय समाज में लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार थे कि बाल विवाह कुरीति है? आप लोगों से भी रिस्पॉन्स चाहूंगा, क्या लोग उस समय का समाज ये स्वीकार करना चाहता था कि बाल विवाह कुरीति है, इससे छुटकारा पाना चाहिए देश को? ऐसे लोग थे जो एनी बेसेंट, विद्यासागर, जिन्होंने कुरीतियों के खिलाफ जब झंडा बुलंद किया तो ये समझा गया कि यार ये जो है हमारी एक ऐसी परंपरा जिसपे हमको गर्व है, जिसको हम नाज के साथ लेकर अभी तक आगे बढ़ते आए हैं, देखिए उसको कुरीति का टैग दे रहे हैं, और उसके लिए विरोध के स्वर उठे। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए, ऐसा मेरा मत है, कि जब किसी बात को आप सामने रखते हैं और उसमें विरोध के स्वर सुनाई देते हैं तो बजाय इस पर एंटागोनाइज्ड फील करने के और ये महसूस करने की यार देखो ये तो विरोध शुरू हो गया और इसको तो कुचला जाना चाहिए, इसको प्रोसेस के तौर पर लिया जाना चाहिए। जैसे एक इशू को आइडेंटिफाई करना एक सोसाइटी के लिए एक प्रोसेस है कि यह हमारे लिए जरूरी है, गैर जरूरी है, उसी तरीके से यह भी एक प्रोसेस है कि उस समाज में उससे इतने दिनों तक जुड़े हुए लोग उसके संदर्भ में एक सोच रखते हैं, आप अचानक उनको ये नहीं कह सकते कि ये कुरीति है आप इसको कल से दूर करेंगे, एक प्रोसेस है जिसमें आप उनको कॉन्फिडेंस में लाते हैं, जिसमें आप उनको समझाते हैं, और धीरे 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 ग्रेजुअली वो चीजें होती हैं। तो ओवरनाइट आप किसी चीज को कोई टैग दे दें जो अभी तक एक प्रचलित अवधारणा थी और अचानक उसको एक दूसरी रोशनी में दिखाएं, ये भी समझ में नहीं आता। लेकिन आज जो चीजें गैर जरूरी हो चुकी हैं उनको सिर्फ इसलिए आगे लेकर चलते जाना है क्योंकि किसी समय हमारे समाज ने उसको स्वीकार करके और ये बताया कि हमारे लिए जरूरी है, आज उसको सिर्फ इसलिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे लिए जरूरी थी
और आज बेशक वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उस समय हमारा हिस्सा थे, इसलिए ढोते चले जाना जाहिर है एक इवॉल्विंग सोसाइटी के लिए, एक ऐसी सोसाइटी जो हर दिन अपने आप को इवॉल्व कर रही है, और ऐसे देश के लिए जो आज विकासशील है और कल विकसित देशों की कतार में अग्रगण्य होने वाला है, उस देश के लिए जरूरी है कि वो रीइन्वेंट करे, वो रीडिस्कवर करे, वो देखे, वो रिव्यू करे, वो इंट्रोस्पेक्शन करे और सोचे कि किन चीजों को कहां पे तब्दील किए जाने की जरूरत है। इस संदर्भ में एक कहानी भी, इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं और यहां मौजूद प्रबुद्ध जनों को सुनूं, मुझको ये कहानी एक बड़े भाई और मित्र जैसे दोस्त थे, अब उनको दोस्त ही कहता हूं मैं, वो IAS IPS की तैयारी किया करते थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता था, लेकिन ज्ञानवान बहुत थे। और अक्सर मैं ये मानता हूं कि जो लोग फेल होते हैं किसी चीज में वो बहुत अच्छे शिक्षक बनते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि क्या नहीं करना है। ये मैं बड़े दिल से कह रहा हूं। और वो लोग जो किस्मत की वजह से और अपने टैलेंट की वजह से एक बार में किसी चीज में सक्सेसफुल होते हैं, वो बाकी की दुनिया को बड़ी हे निगाहों से देखते हैं कि पता नहीं ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं यार, हमने तो एक बार में कर दिया था। बहरहाल उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही जो मेरे आज भी जहन में रहती है। उन्होंने ये कहा कि एक आदमी था, उसको बोलते नहीं आता था, तो घर वालों ने ये कहा कि बेशक इससे बोलते ना आए लेकिन कम से कम ये राम कहने लगे तो इसका जीवन जो है पार हो जाएगा, भगवान का नाम लेने से सुना है कि उद्धार हो जाता है, तो ये राम कहने लगे। तो एक स्पीच थेरेपिस्ट जो उस समय का था उसको बुलाया गया और बोला गया कि आप इससे राम कहलवाना शुरू करवा दीजिए। तो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा बेटा एक काम करो तुम ड्र बोलो, तो उसने बोलना शुरू किया ड्र, बोले इसी में आम बोलो तुम, आम इसी में आगे आम लगा दो, तो ड्र आम करता था, तो इस तरीके से राम निकलना शुरू हुआ। तो घर वाले बड़े प्रसन्न हुए कि इससे राम आखिरकार किसी तरीके से निकलना तो शुरू हुआ। लेकिन वो प्रसन्नता कुछ दिनों में तब गायब हो गई जब उन्होंने ये कहा कि साहब ये बगैर ढिर के राम क्यों नहीं बोल पाता, ये ढिर करके ही आम बोलता है तब राम क्यों निकलता है, इसका ढिर हटवाइए ना। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए ढिर के बगैर नहीं बोल पाएगा, इसके लिए आवश्यक है क्योंकि इसके लिए एक विशेष परिस्थिति है कि अगर ये ढिर नहीं करेगा तो राम नहीं निकलेगा। तो बहरहाल हमको ये समझना है कि हमारे लिए क्या कब ढिर हो गया जो किसी समय जरूरी था, और अब क्या राम है जिसको हमको लेके आगे चलना है। और ये नीर क्षीर विवेक, ये फाइन लाइन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे एक सेल्फ रिस्पेक्ट घमंड में तब्दील हो जाता है, उसके बीच में एक बारीक सी लाइन होती है, जहां पे एक मुद्दा धार्मिक होने के अलावा वो कुरीति होती है लेकिन वो उसको धार्मिक जैसे कुछ शेड्स में देखा जाता है और उसको लेकर एक धारणा बना ली जाती है। तो क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। मेरा तो मानना यह है कि अगर हमारी आइडेंटिटी कुछ भी और है सिवाय भारतीय होने के, इंडियन होने के, तो हम कभी भी अपने साथ, अपने नागरिक होने की भूमिका के साथ और इस देश के साथ न्याय नहीं कर सकते। अगर हमारी भूमिका सबसे पहले और आखिरी भूमिका इंडियन की है, नागरिक की है, तो बाकी चीजें हमको ज्यादा समझानी ही नहीं पड़ेंगी, हमको खुद पता होगा कि हमको किस राह में कैसे आगे बढ़ना है। तो ये थोड़ा सा मेरा मत है और ये पृष्ठभूमि मैं इसलिए भी बताना चाहता था ताकि हम एक पर्सपेक्टिव में इन बातों को देखकर चलें, जिसपे अब आगे आपको डिफरेंट शेड्स देखने को मिलने वाले हैं। ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत, ये जो एक मामला रहा, ये निश्चित रूप से समाज में जब ये देखा गया कि व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, बहुत सारे लोगों को लेकर, समूह को लेकर आगे बढ़ना, एक परिवार में ही किसी व्यवस्था का बनाया जाना, हम मसलन अपने घर परिवार में जहां रहते हैं वहां अगर हम ये कहते हैं कि अमुक चीज अमुक जगह पे रखी होनी चाहिए, अगर हमको ये पसंद है, तो घर में जितने तरह के लोग होते हैं अगर उस लाइन में फॉल करते हैं तब तो ठीक है, वरना आप वो समझाते ही रह जाते हैं कि यार मैं रोज यहां पे रखता हूं और देखिए कभी मुझको चीज अपनी जगह पे नहीं मिलती। तो एक व्यवस्था का कायम करना एक घर में ही इतना मुश्किल होता है, और तब जबकि आपको एक समाज में और बहुत सारे लोगों के बीच में एक व्यवस्था बनानी हो तब तो वो और भी मुश्किल होता है। और क्योंकि उसमें एक चीज को देखने के पर्सपेक्टिव होते हैं, आप उसको अलग अलग कोणों से और जगहों से देखेंगे तो वही एक चीज आपको अलग नजर आएगी, ये कहलाता है परसेप्शन। और क्योंकि उस परसेप्शन का भी नतीजा आखिरकार जो है वो ठीक निकलना चाहिए, ये देखते हुए वो लोग जिनके कंधों पे पॉलिसी बनाने की, व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी थी, उसमें जाहिर है हमारे वो लोग भी शामिल हैं जिनको हम लीडर्स कहते आए हैं, वो स्पिरिचुअल लीडर्स हों, वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, जिन्होंने उस व्यवस्था को बनाया और उसको लागू कराया।
उन्हीं ने यह सोचा कि अगर दो लोगों के बीच में जो वैवाहिक संस्था में हैं, अगर उनके बीच में अनबन होती है तो क्या वो ढोते चले जाएंगे, क्या उनके बीच में अगर स्थिति ये आ जाती है कि एक छत में रहते हुए वो दुश्मन है या एक दूसरे के साथ नहीं निभ रही है किन्हीं वजहों से, तो क्या तमाम तरह की दुश्वारियों के बीच भी उनको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने ये समझा कि विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें दो लोगों को खुशनुमा तरीके से आपस में जिंदगी बिताते हुए और अपने अपने आप को अनुभवों से समृद्ध करना चाहिए, उसमें अगर इस तरह की समस्या आए तो ये एक स्केप रूट होना चाहिए। लेकिन जो स्केप रूट उन्होंने बताया उसका सबने अपने हिसाब से तर्जुमा किया, तर्जुमानी कुछ ऐसी भी होने लगी जो एक स्टेट के तौर पर डिफिकल्ट थी कि अब स्टेट अगर इसको देखेगा तो अलग अलग जगहों पे जो समुदाय हमारे हैं क्या उन समुदायों के हिसाब से एक एक लॉ की तर्जुमानी होगी। सब कहेंगे कि नहीं आपका तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये इस तरीके के प्रावधान की बात है, लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है, या उसको लेकर कोई एक बात होगी, इससे क्या हमारे धार्मिक हित उन पर कुठाराघात हो रहा है क्या, ये तमाम चैलेंजेस हमेशा रहे हैं। लेकिन अब जबकि भारतीय संसद ने फैसला ले लिया और कुछ वक्त गुजर गया, 2019 में आखिरकार ये कानून बन गया। कानून बनने से पहले आपको मालूम है कि एक बार लोकसभा से ये आगे निकला लेकिन राज्यसभा में जब ये रुका तो फिर इसको लेजिस्लेशंस के जरिए इसको कुप्रथा समझते हुए इस पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। आज हम कहां खड़े हुए हैं, और पहले एक राउंड हम ये समझें कि हमारे साथ मौजूद जो यहाँ विद्वत जन हैं उनका मानना क्या है, उनका अपना नजरिया इस मामले पर, इसको एक किस तरीके से देखते हैं, और जो किया गया क्या वो सॉल्यूशन है या वो प्रॉब्लम को एग्रेवेट करने की तरफ बढ़ा दिया गया कदम है। और शहजाद, शुरुआत आपसे इसलिए क्योंकि आप की गाड़ी जो है वो 0 से 100 miles में जाने में कुछ एक सेकंड ही लेती है, तो आप बड़ी रफ्तार से पिकअप देते हैं किसी भी बातचीत को। अच्छा, तो शुरुआत आपके साथ ही कर ली जाए। लेकिन आज आप, आपको सिंहासन में देखने की आदत हो गई है मुझे, आज वो बड़ा वाला सिंहासन नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आज सिंहासन नेशनल स्टूडेंट पार्लियामेंट का है। मेरा माइक बंद हो जाए ऐसा कम ही होता है। माइक डरता है आपसे? माइक डरता है। आप मेरे ऊपर पता नहीं, और इतने करीब से न जाने क्या होने वाला है। मुझे लगा कि बीइंग द ओनली सिंगल पर्सन ऑन द पैनल मेरा टेक सबसे इम्पोर्टेंट है शादी और तलाक के मामले पर।